जब कैरियर के इस राह कि आपको अंदाज है कि जो हम में से नौकरी करता है कोई अच्छी, मान लो आप में से कोई आईएएस में आ जाए, आईपीएस में आ जाए और 35 साल बढ़िया नौकरी करे, हिंदुस्तान की अच्छी सर्विसेज में से मानी जाती हैं, या कहीं कुछ भी, आप अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा अपनी नौकरी आजीविका में बिता पाता है, बिताता होगा? शांत रहना, जिन्हें जवाब पता है, बाकियों को जरा तो उलझने, अपनी नौकरी में बिताता होगा, कोई एक गेस करोगे आप लोग? इसका कितना? 20% से कम। इतने लोग सहमत हैं कि आमतौर से हम अपनी नौकरी में अपनी जिंदगी का 20% से कम हिस्सा बिताते हैं। आपने जो सहमत हुआ था, बहुत कम लोग सहमत हैं। जो ज्यादा लोग समझते हैं वो बताएं कितना हिस्सा बिताते होंगे। आपने से ज्यादा समझते हैं वो हाथ उठाएं। आपकी ठीक ख्याल, जो 70% से ज्यादा समझते हो वो हाथ उठाएं। ये जो आज हमने हमारी छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया है और प्रत्येक वर्ष 2 बार हम यह आयोजन करते हैं। यह आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वो छात्राएं जिनकी विशिष्ट उपलब्धि होती है, जो एकेडमिक में नहीं कवर होती है, एनसीसी एनएसएस में कवर नहीं होती है, स्पोर्ट्स में कवर नहीं होती, उसको हम सम्मानित करते हैं और इससे छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता को समझेंगी, उनके गुण का सम्मान करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके सफलतम जीवन का पहला कदम हमारे साथ हो, हम उनके साथ रहें, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएँ, ऐसा महाविद्यालय का प्रयास रहता है। इसमें हम एक विशिष्ट अतिथि को बुलाते हैं जिनका सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है, जिससे कि वो हमारे बच्चों के बीच अपने अनुभव बांट सकें। हमने एक युवा अधिकारी को भी आज आमंत्रित किया है, श्री कैलाश बुंदेला जी, जो कि अपने समय में पीएससी के सेकंड टॉपर रहे हैं और वर्तमान में संयुक्त कलेक्टर हैं। शैलजाकांत मिश्र जी मुख्य अतिथि हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसी हस्तियों का छात्राओं से जब इंटरेक्शन होता है तो निश्चित रूप से अगर वो 2 सेंटेंस, 2 वर्ड या कुछ शब्द उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें, तो ये हमारा प्रयास रहता है कि इस तरह का एक मंच, ऐसा स्थान, ऐसा वातावरण निर्मित कर सकें जिससे कि छात्राएं अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानें और उसको आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर राजलक्ष्मी त्रिपाठी।